दिव्यांकर जैतपुर रिलीफ कैंप से हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए और ये बताइए जो लोग कहां से उजड़ के वहां पर पहुंचे हैं और क्या इनके बसने की कोई तस्वीर दिखाई दे रही है। दिव्यांकर अभिषेक, फिलहाल मैं जहां पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर हूं, एनडीआरएफ की टीम मेरे साथ है और सामने आपको तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह से यहां पर लोगों की जान, जहां तक उनको बचाने का प्रयास एनडीआरएफ की द्वारा किया जा रहा है, वहीं जानवर भी, जो मवेशी हैं जो इस बाढ़ आपदा जो आई है इसमें फंसे हुए हैं, उन्हें भी आप सामने तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर मुआयना करने, दौरा करने निकल रही है, जिसमें एक गाय के फंसे होने का पता चला था, जिसके चलते एनडीआरएफ की पूरी टीम यहां पर इसको यहां से सुरक्षित बाहर निकालने की जो कोशिश है वो कर रही है। लगातार एनडीआरएफ के अधिकारी जो हैं, बड़े अफसर जो हैं, वो भी लगातार अलग अलग इस पूरे एरिया में मुआयना करने निकल रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए डिप्टी कमांडेंट गौरव जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये किस तरह का जो मुआयना लगातार आप लोग कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है? हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया था 12 तारीख को दोपहर 2 बजे, जिसमें हमने कल रात 10:30 बजे तक तकरीबन 780 लोग इस जैतपुर एक्सटेंशन 2 कॉलोनी, जो विश्वकर्मा कॉलोनी है, यहाँ से निकाले और साथ में 12 लाइव स्टॉक इस गाय को मिलाकर अभी तक हम निकाल चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार मुआयना करने निकल रही है, कितनी कितनी देर पर आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं और पूरे कहाँ तक के एरिया जो है उसको आप लोग कवर कर रहे हैं, देख पड़ताल रहे हैं, जाँच पड़ताल कर रहे हैं? ये पूरा इलाका जो है, जहाँ तक भी मकान बने हुए हैं, तकरीबन अंदर इस कॉलोनी में जहाँ से आप शुरू किया है मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर तक तकरीबन हम लोग मुआयना कर रहे हैं। और जैसे ही कोई डिस्ट्रेस कॉल होती, क्योंकि ऑपरेशन तो लगभग रात 10:30 बजे तक हम लोग 780 लोग निकाल चुके थे, तो प्रशासन ने हमें बताया था कि अभी अंदर कोई फंसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है तो हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं और आधा एक 2-2 घंटे के अंतराल पर हम एक बार मुआयना लेते रहते हैं, कहीं कोई वापस तो नहीं आ गया है या गलती से कोई फंसा तो नहीं रह गया। तो आप देख सकते हैं अभिषेक, लगातार जो ये पूरा इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न है, स्कूटी सामने आपको डूबी हुई नजर आएगी, पूरा एरिया जो है वो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पूरी तरह से है और एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार हर 2 घंटे पर निकलती है, अभी भी फिलहाल निकली हुई है मुआयना करने, कहीं कोई व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ तो नहीं है और इसी की जाँच पड़ताल करने में पूरी टीम जो है यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। और जो नाव आप दिखा रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नाव है ये लोगों की उम्मीदों की नाव है, ये नाव सलामत रहे, दुआएं हैं। और मेरी हाथ में एक घड़ी है, 10:15 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है जैसे कि समय भी जम गया है। कभी कभी समय ऐसा होता है कि वो आगे बढ़ने से इनकार कर देता है और मैं जहाँ बैठा हुआ ये रहा है, अलग चेयर नहीं है, ये कोई न चेयर है, ना ही ये कोई दीवार है, ये कार की बोनट पे मैं बैठा हुआ हूँ। और कार की बोनट पे मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि आप तस्वीर से त्रासदी को समझिए, कार पानी में समाई हुई है और ये कार यहाँ से कब निकलेगी, ये कोई इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये कार इकलौती कार नहीं है, ये कार एक सिलसिला है सिविल लाइन्स के पौश इलाके में। कहते हैं ना कि त्रासदियां जो है गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं करती हैं, और ये शायद एक ऐसी त्रासदी जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।